लखनऊ में मेट्रो का संचालन हो गया है, लखनऊ के एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, जो लखनऊ पहले जाम के रूप में जाना जाता था, आज उस लखनऊ में नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, वह लखनऊ आज स्मार्ट सिटी के रूप में हम सबको दिखा रहा है एक नई तस्वीर लखनऊ की, कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, ये नई लखनऊ की तस्वीर है, मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, और ये तभी आगे बढ़ सकता है। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी कार्य करता हुआ दिखाई दे, और इसके लिए फुल मेजोरिटी का बोर्ड चाहिए हमें, यही अपील करने के लिए आज मैं आया हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर अकेले शहरी क्षेत्र में लखनऊ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 16,598 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। पहले व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को स्वनिधि दी जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, और लखनऊ के अंदर 80,100 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में 1 लाख निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तो लखनऊ में 5,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 17,300 से अधिक दिव्यांगजनों को और 10,000 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लखनऊ के अंदर 2 नगर पंचायतों का सृजन हुआ है और नगर पंचायत मलियाबाद का सीमा विस्तार का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ अमृत मिशन के अंदर 1390 करोड़ रुपए के 28 परियोजनाओं का कार्य आज के दिन पर लखनऊ के अंदर हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण अकेले लखनऊ के अंदर हुआ है, और कान्हा गौशाला के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी लखनऊ की 5 नगर पंचायतों को इन सभी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है।